मेरे पास 30 पीडीएफ फाइल है, डॉक्यूमेंट है, और मुझे अपने बॉस को भेजना है। तो मैंने जानबूझ के बॉस का नाम इंडिकेट किया है। बॉस मीन्स अगर 30 फाइल है और इसका वॉल्यूम है मोटा मोटी 300 फाइल का वॉल्यूम क्या है 40 MB। तो फाइल्स हैं तो डॉक्यूमेंट है, किसी का 2 MB हो सकता है, किसी का KB में हो सकता है, किसी का सीधे 4 MB हो सकता है। कोई सर्टन है कि सब फाइल एक बराबर होगा? है ना जी। बॉस को जब फाइल भेजी जाती है तो 40 MB तो निश्चित बात है, दो मेल में यह जाएगा। अभी एक थ्योरी पढ़ाई आपको, दो मेल में जाएगा। बॉस कहेगा कि दो गो मेल तुम्हारा, दो गो उस सेक्शन का, दो गो उस सेक्शन का। हमको पागल समझ के तुम लोग रखा है क्या? हम लोग मैं बॉस हूँ तुम्हारा कि घसियारा हूँ? यू मस्ट गिव एन आउटपुट एन सिंगल पेज टू योर बॉस। बॉस को कभी भी दो पेज में आउटपुट मत देना, अभी सीख लो। वो चश्मा नहीं माइक्रोस्कोप से देखने की स्थिति में आ जाए तब भी आउटपुट हमेशा कितने पेज में आना चाहिए? 1। क्लियर है? कोई डाउट है? और तुम्हारे आउटपुट में अगर बॉस को ये पूछना का पड़ा, ये इस कॉलम को इसका क्या यूज है, देन योर ऑल स्किल एंड योर ऑल एजुकेशन इज नाउ गोइंग इन अ 0। बॉस सवाल पूछा का है तुमसे, तुमने अपने डेटाबेस को इस लायक बनाया क्यों नहीं कि वो ट्रांसपेरेंट रहे? क्यों मल्टीपल कॉलम ठूस दिए? उसने कहा कि मुझे क्लास 9C के उन स्टूडेंट का रिपोर्ट दो, ध्यान से, उन स्टूडेंट का रिपोर्ट दो जिनकी फीस नहीं आई है। तो व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग नेम, फादर नेम, UID, रोल नंबर, मोबाइल नंबर? बुलशिट। द बॉस इज, व्हाई द बॉस इज नीड ऑफ योर पर्सनल मोबाइल नंबर? व्हाट ही हैज द नीड ऑफ योर मदर नेम? व्हाट ही इज द नीड ऑफ योर UID? उसको क्या मतलब है? उसको मतलब इससे है, हाँ या ना? हाँ या ना? आपका 3 लाइन में रिपोर्ट जाना चाहिए, 9C टोटल स्ट्रेंथ 40, फी कलेक्टेड टिल 3rd अक्टूबर 2024, दैट इज 30। 3 हैड ऑलरेडी पेड बाय ऑनलाइन बट द ट्रांजेक्शन ID नॉट रिसीव्ड। तो 40 में से 30 घटा, कितना बचा? 10। 10 में से 3 का पेमेंट हो गया है, बस वो ट्रांजेक्शन ID बचा है, मतलब पैसा तो ये ले गया है। तो वो किसमें काउंट होगा, जमा वाले में कि माइनस वाले में? अरे पैसा